Assalamualaikum guys, welcome to my channel, welcome to another video. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग वॉकिंग एड्स को डिस्कस करने वाले हैं कि वॉकिंग एड्स बेसिकली हैं क्या। ठीक है, आज के वीडियो में हम वॉकिंग एड्स को डिस्कस करेंगे। तो वॉकिंग एड्स बेसिकली वो एड्स क्या चीज होती है, एड्स मींस हेल्प करना, ठीक है, एडिशन। ठीक है, तो वॉकिंग एड्स वो चीज है जो आपको वॉक करने में हेल्प करती हैं। जो लोग डिसेबल होते हैं बेसिकली वॉकिंग एड्स उन लोगों के भी यूज होती है। ठीक है, जो लोग खुद से उठ बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ठीक है, उन लोगों के लिए हम लोग वॉकिंग एड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं वॉकिंग एड्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट जो भी पिक्चर्स में आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये हमारे पास वॉकिंग एड्स होती हैं। ठीक है, दीज आर वॉकिंग एड्स। फॉर एग्जांपल केन है अगर, या कुछ भी है आपके पास, ठीक है, तो दीज आर वॉकिंग एड्स। वॉकिंग एड्स होती क्यों यूज है, क्योंकि बेसिकली ये मोबाइल मोबिलिटी ऑफ पेशेंट जो है उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, मैंने जैसा आप लोगों को स्टार्ट में बताया है कि जो भी डिसेबल पर्सन है उसके लिए हम लोग वॉकिंग एड्स यूज करते हैं ताकि उसको डिसेबल से एबल बनाया जाए। ठीक है, कि वो खुद अपने काम कर सके। ठीक है, सो इस वजह से हम लोग वॉकिंग एड्स को यूज करते हैं। वॉकिंग एड जो है वो बेसिकली हमारे पास 18th century की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 18th century से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता था कि केन्स जो होती हैं, ठीक है, उन वो जो है वो पहले दरख्त वगैरह से बनाई जाती थी। ठीक है, और फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब कि एडवांसमेंट होती गई तो डिफरेंट डिजाइन वगैरह बनना शुरू हो गए 18th century के केस में। ठीक है, 20th century में क्या हुआ कि एल्यूमिनियम और स्टील वगैरह से, ठीक है, उनसे बनना शुरू हो गए, प्लास्टिक्स वगैरह से, फोम से, रबर से, एंड डिफरेंट, मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई ना उस तरह जो है वो वॉकिंग एड्स हमारे पास बनती गई। ठीक है, अच्छे तरीके से वो एडवांसमेंट होती गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वॉकिंग एड्स यूज क्यों होती है। हमें पता है कि वो डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज करने के लिए यूज होती है, किसी भी डिसेबल पर्सन के लिए यूज हो रही होती है। ठीक है, तो आज अब हम देखते हैं कि वॉकिंग एड्स बेसिकली है क्या, इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, वॉकिंग एड्स की जाहिर सी बात है डिसेबिलिटी को एबिलिटी में लेके आना, चेंज करना, इम्प्रूव बैलेंस है सबसे पहले। ठीक है, गिव प्रोप्रिसेप्शन। ठीक है, प्रोप्रिसेप्शन ये होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस की एक तरीके से कंडीशन होती है। ठीक है, उसके अलावा पेन को डिक्रीज करना, रिड्यूस वेट बियरिंग ऑन इंजर्ड और इनफ्लेम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप लोग जैसे भी फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक साइड पे केन लेते हैं, तो केन का क्या है कि हमने जिस साइड पे पकड़ी हुई है ना, ठीक है, वो हमें जिस साइड पे हमें पेन होगा ना उस तरफ की जो है उससे पेन से जो है वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, हम लोग तब उसको केन को यूज करके पकड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, ताकि हम लोग जो दूसरी तरफ पेन है हमें वो इतना फील ना हो। ठीक है, उसके अलावा जो वीक मसल्स होते हैं वो बेसिकली इसके थ्रू कंपनसेट हो जाते हैं। ठीक है, स्कैन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। हम लोग किस तरह सेलेक्ट करते हैं केन्स वगैरह को, या वॉकिंग एड्स को हम लोग किस तरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वॉकिंग एड में सबसे पहले हमारा नाम क्या चीज आती है, केन का आता है। ठीक है, केन का नाम आता है, या वो एक और जो है वो स्टैंड टाइप जो आगे रख के चलते हैं। ठीक है, तो उसका हमारे जहन में सबसे पहले तो केन का ही नाम आता है, क्योंकि वो मोस्टली यूज हो रही होती है। तो केन के अलावा भी डिफरेंट हमारे पास वॉकिंग एड्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने वॉकिंग एड की सिलेक्शन हम लोग किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस बंदे की स्टेबिलिटी देखेंगे कि वो कितना स्टेबल है, वो खुद जो है वो उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता। ठीक है, उसके अलावा जो उसके लिम्स हैं यानी अपर एरिया एंड लोअर एरिया, उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स, रिक्वायर डिग्री ऑफ रिलीफ फ्रॉम वेट बियरिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो सिलेक्शन के लिए जो चीज यूज हो रही होती है, यूज हो रही होती है, वो ये होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कौन कौन सी तरह के वॉकिंग एड्स होते हैं। पैरेलल बार्स होती हैं, वॉकिंग फ्रेम्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेम्स वगैरह रख के
आगे रख के वो चलते हैं, वो हम पिक्स में देखेंगे, ठीक है। पैरेलल बार्स होती हैं, वॉकिंग फ्रेम्स होती हैं, केन्स से तो हम सभी फेमिलियर हैं, ट्राईपोड्स होते हैं, क्वाड्रिपेड्स होते हैं, क्रचेस होते हैं, स्कूटिंग बोर्ड्स होते हैं, व्हील चेयर्स वगैरह, उनसे भी हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। तो हम देखते हैं आगे वॉकिंग एड्स को, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपको पिक्चर में इजीली दिखाई दे रहा होगा। दीज आर बेसिकली द पैरेलल बार्स, ठीक है। अब पैरेलल बार्स देखें, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दैट्स व्हाई इनको हम लोग पैरेलल बार्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये रिजिड होती है हमारे पास, उसके अलावा ये क्या करती है, सपोर्ट थ्रू द लेंथ ऑफ द बार्स, ठीक है। ये जो भी लेंथ है हमारे पास बार्स जो है, ठीक है, पैरेलल बार्स है ना, तो उन बार्स को पकड़ के बंदा जो है वो चलता है और उससे सपोर्ट लेता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज होती है कि मोस्टली आप लोगों की जो लोअर लिम होती है वो कंसंट्रेट हो रही होती है, ठीक है, पेशेंट जो अपनी लोअर लिम को देखता है। अब यहाँ पे हमें मिरर तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या होता है कि पैरेलल बार के सामने मिरर भी लगा हुआ होता है और वो बंदा अपने आप को मिरर के अंदर देख रहा होता है कि हाँ वो चल रहा है, ठीक है। और उसके अंदर इस चीज से एक रिलीफ सा आता है कि हाँ वो चल रहा है और वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या चीज है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फुल साइज मिरर जो है वो इसके एक साइड पे होता है और इसकी ये जो बार्स है ना, इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इनकी एडजस्टमेंट वगैरह हो सकती है। ये एज अकॉर्डिंग टू पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस किया जा सकता है। आगे हमारे पास आती है वॉकिंग फ्रेम्स, ठीक है। वॉकिंग फ्रेम्स हम जैसे हम लोग फेमिलियर हैं वॉकिंग फ्रेम से भी, ठीक है। तो वॉकिंग फ्रेम्स क्या होती हैं, ये भी हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं और एल्डरली पीपल जो होते हैं वो इसको मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पेशेंट जिनको होता है कि यार हम डर जाएंगे अगर हम उठे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की टांग वगैरह टूटी है, ठीक है, तो क्या है कि वो उसको डर होता है कि वो गिर ना जाए, ठीक है। तो वो चीज जो है ना उसके केस में हम लोग वॉकिंग फ्रेम्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फ्रंट ऑफ द वॉकर एट 12 इंचेस, अब क्या चीज है, जो वॉकर होगी ना उसको हमने क्या करना है, अपने फीट से ऑलमोस्ट 12 इंचेस जो है वो सामने रखना है, ठीक है, दूर रखना है। अब उसके अलावा जो पेशेंट की एल्बो होगी वो 20 टू 30 डिग्री फ्लेक्स्ड होगी, फ्लेक्सन में होगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक आ रही है आगे फ्रेम, ये इस तरह की फ्रेम होती है, ठीक है, वैसे फ्रेम्स वगैरह इस तरह की होती है, ये आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स वैसे दी हुई है। तो हम लोग वॉकिंग फ्रेम्स को हमने देखा, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स कौन कौन सी। एक स्टैंडर्ड रोलर होता है और एक रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड रोलर एंड रेसिप्रोकल एंड उसके अलावा हमारे पास बस आई थिंक सो ये दो ही हमारे पास जो है, सॉरी रोलर भी है एक हमारे पास, हाँ एक हमारे पास जो है वो रोलर भी है। तो स्टैंडर्ड फ्रेम के बारे में बेसिकली हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इनके एडवांटेजेस क्या है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसी बात है बंदा सिक्योर होता है कि वो गिरेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा लाइट एंड एडजस्टेबल, ठीक है, लाइट होता है, उसके अलावा ये एडजस्टेबल भी होता है, इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं पेशेंट की हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पैरेलल बार के केस में हमने बात की थी, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि डिफिकल्ट टू यूज ऑन स्टेयर्स, ऐसी बात है सीढ़ियों के ऊपर हम इनको यूज नहीं कर सकते। डिफिकल्ट होता है डोर स्टेप और एंट्रेंस, ठीक है। अब क्या चीज होती है, एंट्रेंस में क्या होता है कि एक दो सीढ़ियां बनाई गई होती हैं या लाइट सा जो है वो एक स्टेप बेशक बनाया गया हो, उसमें भी उसके केस में भी ये एक इसकी डिसएडवांटेज है कि हम इसको इस केस में यूज नहीं कर सकते। आगे हमारे पास बात आती है जो हमने टाइप्स की बात की थी, स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम है एक, ठीक है, तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या चीज होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम इस तरह करके होता है, स्टैंडर्ड है बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या चीज है कि फोर वर्टिकल एल्यूमिनियम्स होते हैं, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक दो तीन एंड चार, ठीक है, सॉरी फोर, ठीक है। अब ये है आप लोग देख सकते हैं, दीज आर वर्टिकल बेसिक, सॉरी हाँ, दीज आर वर्टिकल बेसिकली एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है एंड दिस इज वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि फोर हमारे पास वर्टिकल एल्यूमिनियम ट्यूब्स ही होती है, ठीक है, या हाँ ट्यूब्स ही कह सकते हैं इनको, जिनमें क्या चीज होती है कि हमारे पास इनमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
ये हमारे पास हॉरिजेंटल ट्यूब जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। हैंड ग्रिप के लिए ये हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रबर जो है वो बेसिकली टिप्स के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, ताकि बंदा जो है वो गिरे ना, ठीक है, स्लिप ना हो बेसिकली फ्रेम जो है। तो इसको हम स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम बेसिकली कंसिडर करते हैं। आगे हमारे पास बात आती है स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम को के बाद हमारे पास जो बात आती है वो रेसिप्रोकल वॉकिंग फ्रेम है। इसमें क्या चीज है कि ये सिमिलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड वॉकिंग फ्रेम, लेकिन इसमें क्या चीज होती है कि इसकी तमाम जो साइड्स है ना, ठीक है, इनको हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, मतलब इनको मूव कर सकते हैं, बस ये एक इसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसमें ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ट्यूब्स में, यहाँ पे भी एंड उसके अलावा यहाँ पे भी, ठीक है। इनमें क्या होता है, ज्वाइंट्स वगैरह होते हैं, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। जबकि हम पीछे वाले में बात करें तो यहाँ पे कोई ज्वाइंट्स नहीं थे, ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स है सारा कुछ। आगे हमारे पास जो बात आती है वो रोलर है। अब यहाँ पे क्या चीज है, रोलर से अगर हम देखें तो कोई चीज रोल होती है जब, ठीक है, तो रोल होना वो हमें माइंड में आता है। तो दिस यहाँ पे बेसिकली जो है टायर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं शॉपिंग वगैरह करने, ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, ठीक है, हम लोग जाते हैं तो वहां पे भी टायर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन वो जो है वॉकिंग फ्रेम नहीं है एक तरीके से, जाहिर सी बात है वो अगर जो है वो यूज किया जाएगा तो पर्सन गिर जाएगा। मुझे लगता है कि ये बड़े जो हैं बूढ़े होते हैं, ठीक है, लोग, उनके लिए सुइटेबल नहीं रहता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें खतरा है गिरने का। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या चीज है कि नो नीड फॉर लिफ्टिंग द होल डिवाइस, ऐसी बात है। अब जैसे पीछे हमने बात की थी जो हमारे पास वॉकिंग फ्रेम्स थे या हम, हाँ, वॉकिंग फ्रेम्स थे, तो उसमें क्या था कि हम लोग उसको लिफ्ट करना पड़ता, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, लिफ्ट नहीं करना पड़ता। इसमें क्या चीज होती है, केयर टू बी टेकन फॉर द एल्डरली पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मुताबिक उनके लिए सुटेबल नहीं है, तो वाकई उनके लिए सुटेबल नहीं है अगर हम खुद सोचें तो, ठीक है। उसके अलावा ये बेस्ट सुटेबल होते हैं चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अदर वेराइटीज ऑफ वॉकिंग फ्रेम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास गटर फ्रेम होता है और एक पर्पेट फ्रेम होता है, ठीक है, ये भी हमारे पास फ्रेम्स की टाइप्स हैं, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है केन्स, जिसको हम सभी जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो केन्स के केस में ना, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है केन्स के केस में वो ये है कि हम लोगों ने अपने हिप्स के अकॉर्डिंगली केन्स को, की हाइट उतनी हमारे हिप्स से स्टार्ट होनी चाहिए एंड देन फीट तक आनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज केन की जो मेजरमेंट होती है वो बेसिकली यहाँ से ली जाती है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है जैसे हम सब जानते हैं, ठीक है, और ये वुड वगैरह का और एल्यूमिनियम का मोस्टली बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या चीज होती है कि जो आपका बॉडी वेट है वो 20-25% जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और जिस साइड में आपको इश्यू है ना उससे ऑपोजिट साइड में आप लोग केन को पकड़ते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात, जब आप लोग ऐसा करोगे तो आपको पेन जो है वो फील नहीं होगा और वेट जो है वो एक लेग के ऊपर मोस्टली शिफ्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीज स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है। उसके अलावा कंपनसेट फॉर द वीक मसल्स, पेन को रिलीव करता है, और एल्बो क्या होती है वो हमारे पास 30 डिग्री फ्लेक्शन में होती है, ठीक है, 30 डिग्री फ्लेक्शन में होती है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये केन्स हैं डिफरेंट तरह की, एल्यूमिनियम एंड मोस्टली जो वुड की यूज हो रही होती है। अच्छा, इसमें क्या, हमने जैसे बात की कि क्या होता है कि हैंडल जो होता है ना वो हमारे पास ग्रेटर टू कैंटर, सॉरी, शू हील के पास होता है, ठीक है, और जो ग्रेटर टू कैंटर होता है वहां से हम लोग इसकी मेजरमेंट ले रहे हैं। ग्रेटर टू कैंटर यानी हिप से ही आप लोग कंसिडर कर रहे, फीमेल का ग्रेटर टू कैंटर होता है तो उससे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एडजस्टेबल केन्स हैं, यानी इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं हाइट वाइज, ठीक है, और ये नॉन एडजस्टेबल केन्स हैं, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते पेशेंट की हाइट के मुताबिक। ये हमारे पास ट्राइपॉड्स हैं, ठीक है, ट्राइपॉड्स क्यों कंसिडर किया है इसको, यहाँ पे एक दूसरी तरफ पीछे एक यहाँ पे, इसको इसके तीन ट्यूब्स टाइप ऐसे करके बनी हुई है, दैट्स व्हाई इट्स इज नोन एज ट्राइपॉड्स। इसमें क्या चीज होती है, ये भी मोस्टली हमारे पास एल्यूमिनियम और स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। रबर जो होते हैं वो मोस्टली टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या चीज होती है कि हैंड ग्रिप जो है वो उसके लिए भी वो एरिया प्रॉपरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एल्बो यहाँ पे भी 30 डिग्री फ्लेक्शन में ही है और मोस्ट स्टेबल होती है ये वाली केन, सॉरी, हाँ, ट्राइपॉड्स वगैरह केन्स ही है ना, नहीं, केन्स तो समथिंग डिफरेंट है, ट्राइपॉड्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, लेकिन दीज आर द वॉकिंग एड्स बेसिकली।
ठीक है, अब यहाँ पे लगती है केन्स की तरह ही है, लेकिन हाँ दीज आर डिफरेंट. अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं क्वाड्रिपेड्स के बारे में. क्वाड्रिपेड्स में क्या चीज होती है, इसकी चार लेग्स हैं, जैसे आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, चार इसकी लेग्स हैं. इसमें भी हमने क्या करना होता है, हैंड की ग्रिप जो होती है वो मोस्टली यहाँ से होती है. इसके एंड पे हमारे पास जो है रबर्स वगैरह, जैसे हमने ऊपर बात की के रबर टिप्स पे प्रेजेंट होती है, मोर एडजस्टेबल होती है, उसके अलावा एडजस्टेबल एंड हैंड ग्रिप हाइट, ठीक है, ये भी हमारे पास एडजस्टेबल होती है, ठीक है, और कैन बी यूज सिंगली और इन पेयर्स. इसको हम सिंगल भी यूज कर सकते हैं और पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. अब आगे हमारे पास क्रचेस आते हैं. क्रचेस इस तरह के होते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. तो क्रचेस जो है इसमें क्या चीज होती है, ये भी जाहिर सी बात है एक वॉकिंग एड ही है हमारे पास, ठीक है. तो क्रचेस में क्या होता है कि वो हम लोग किस तरह चूज करते हैं, ये यूजली पर्सन के बैलेंस पे डिपेंड कर रहा होता है, सिलेक्शन पे, एडजस्टमेंट ऑफ क्रचेस पे डिपेंड कर रहा होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है, गुड विजन पे, करेक्ट जो क्रच स्टैंड उस पर डिपेंड कर रहा होता है, पैटर्न ऑफ गेट के किस तरह बंदा चलता है वो, ठीक है. ये मोस्टली हमने देखा होगा अगर किसी बंदे की एक टांग नहीं होती, हाफ कटी हुई होती है, तो वो मोस्टली यूज कर लेते हैं, ठीक है. ये हमारे पास आती है, इसकी टाइप्स आती हैं, एक्सेलरी क्रचेस आती हैं, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास और भी हैं एक्सेलरी क्रचेस के अलावा, ये हमारे पास टाइप्स आती हैं एक्सेलरी क्रचेस की, एडजस्टेबल है, परमानेंट है, ऑर्थो क्रच है, ठीक है. तो हम देखते हैं एक्सिलरी क्रच को. अब एक्सिलरी क्रच है वो क्या है कि इसमें हमारे पास क्या चीज होती है कि एट द टॉप इसमें क्या होता है कि क्रच पैड्स होता है, ये यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पे ऊपर, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्रच पैड्स होता है ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज होती है, हैंड ग्रिप के लिए ये एरिया है बेसिकली हमारे पास, ठीक है. ये हमारे पास हैंड ग्रिप के लिए एरिया है, ठीक है. ये हमारे पास इसकी लेंथ होती है वो क्या होती है, वो एडजस्ट हम कर सकते हैं, लेंथ एडजस्टेबल एरिया है. और ये हमारे पास क्रच की टिप पे एज यूजुअल जो है रबर जो है वो लगा हुआ है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिलरी क्रच पैड रेस्ट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, ठीक है. जो क्रच पैड है यानी ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, इसी ऊपर वाला एरिया, ठीक है, ऊपर वाला. तो इसको हम जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं एक्सिलरी वॉल के साथ, ठीक है. एक्सिलरी वॉल क्या है हमारी कि आर्म के नीचे जो साइड है इसको हम एक्सिलरी एरिया कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या चीज है कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिलरी अपेक्स, ठीक है, इट रेस्ट अगेंस्ट द चेस्ट वॉल एंड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिलरी अपेक्स. अब हैंड ग्रिप जाहिर सी बात है हमें पता है कि 30 डिग्री एल्बो फ्लेक्स्ड है, जैसे हमने ऊपर की केस में सबने डिस्कशन किया कि 30 डिग्री हमारी एल्बो फ्लेक्स्ड हो, ठीक है. उसके अलावा वे ट्रांसमिटेड जाहिर सी बात है आर्म से लेके आर्म में जो है वो सारा वेट जो क्या होगा वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, आर्म से नीचे. ये आप लोग देख सकते हैं इस बंदे ने एक्चुअली क्रचेस जो है वो उठाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको उठाना होता है बेसिकली. अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि 80% जो बॉडी का वेट है वो इस पे ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है. और ये हम लोग तब यूज करते हैं जब बंदा जो है वो डिसेबल होता है, या अब यहाँ पे इस ये देखें इसका पाँव जो है वो खराब है, ठीक है, ये इसका पाँव खराब है, तो इसने क्या किया कि इसने क्रचेस द्वारा जो है वो यूज किया है, ठीक है. तो जब हमारे पास कोई एक साइड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती तो देन हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है. मूव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा पेशेंट कैन रिलीज अ हैंड ग्रिप एंड यूज दैट हैंड फॉर अदर पर्पस, ठीक है. ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्रचेस हैं, एक्चुअली क्रचेस की टाइप्स हैं बेसिकली. इस बंदे ने भी उठाया हुआ है, एडजस्टेबल है इसमें, परमानेंट है एंड ऑर्थो क्रचेस है. ये हमारे पास एडजस्टेबल क्रच है, ठीक है, ये हमारे पास परमानेंट क्रचेस हैं एंड ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो क्रच है. आगे हमारे पास बात आती है क्रच के मसल्स, ठीक है. इसमें क्या चीज होती है कि फिंगर फ्लेक्सर्स और थंब रिस्ट एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, एल्बो एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, शोल्डर फ्लेक्सर्स, शोल्डर डिप्रेसर्स, शोल्डर एडेप्टर्स, मतलब ये मसल्स हमारे पास बेसिकली जो है वो क्रचेस के केस में यूज हो रहे होते हैं,
ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं क्रचेस के बारे में। हाइट जो होती है वो -16 इंचेस होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या चीज होती है कि ये आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह इसको कैरी करना है, जैसे हमने पीछे बात की कि हमारे पास ये एक्सिलरी पैड होता है, हैंड ग्रिप का एरिया है, ठीक है। इसमें क्या चीज होती है, फ्रॉम इंटीरियर एक्सिलरी 4 to 6 inches इन फ्रंट एंड लेटरल टू 5 to 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि यहाँ से हमने इसकी कैसे लेना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, दिस इज बेसिकली कि इसको हम कैसे रखेंगे। आगे हमारे पास बात आती है पोजीशन की, कैसे इसको रखना है। पेशेंट जो होता है वो स्टैंडिंग में होना चाहिए और उसने शूज वगैरह पहने हुए होने चाहिए और क्रच है वो दोनों साइड पे होना चाहिए एंड पाम जो होती है वो हैंड की हैंड ग्रिप के ऊपर होनी चाहिए। टिप ऑफ क्रचेज जो होते हैं वो 6 inches इन द फ्रंट एंड लेटरल टू टिप ऑफ द टोस, ठीक है। 6 inches होना चाहिए जो हमारे पास क्रचेज है उनकी जो टिप है वो 6 inches इन फ्रंट होनी चाहिए एंड लेटरल टू टिप ऑफ टोस, ठीक है। तो अगर हमने ओवरऑल लेंथ देखनी चाहे देखनी है तो क्या है कि 3 फिंगर जो है ना उसको हमने क्या करना है कि इंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड एंड एक्सिलरी क्रच के दरमियान हमने उसको रखना है। उसके अलावा स्लाइड क्रच एक्सटेंशन टू करेक्ट लेंथ। तो ये बेसिकली हमारे पास यही चीज शो करे कि हमने क्रचेस को किस तरह यूज करना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एल्बो के क्रचेस भी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एल्बो क्रचेस है उसमें क्या चीज होती है कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम एलॉय से बेसिकली बने हुए होते हैं, यू शेप्ड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक और रबर कवर्ड है, जो हैंड की साइड होती है, हैंड ग्रिप साइड होती है, ठीक है, वो प्लास्टिक या रबर की होती है। रबर टिप जो होते हैं लोअर एंड पे, जैसे वो बाकियों की हमने बात की, ठीक है। अब आगे हमारे पास आती है बात की 40 to 50% जो बॉडी का वेट है वो बेसिकली कैरी कर रहा होता है और मोस्ट स्टेबल होता है वॉकिंग स्टिक के कंपेरेबल और फॉर पेशेंट कैन टेक सम वेट ऑन बोथ फीट, ठीक है। जो पेशेंट ऐसी बात है अगर बंदा बहुत ही ज्यादा डिसेबल है तो उसको हम ये प्रेफर करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास बात आती है इसमें क्या चीज होती है कि स्टैंडिंग विद शूज, बंदे को बंदा जो होगा वो शूज के साथ होगा और स्टैंडिंग में होगा। उसके अलावा इसमें क्या चीज होगी कि हैंड जो होगा वो हैंड ग्रिप के ऊपर, आर्म जो है वो भी आर्म बैंड के ऊपर होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज होती है कि क्रच की टिप जो है वो 6 inches इन फ्रंट एंड लेटरल टू 5th little toe, ठीक है। बस ये वही बातें हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, सब सेम ही ऑलमोस्ट, ठीक है। अब आगे हमारे पास आता है गटर क्रचेस। दिस इज अ गटर क्रचेस, नाम वैसे बहुत अजीब सा है, गटर गटर से गटर ही याद आता है, लेकिन दिस इज अ इसका नेम है गटर क्रचेस। तो हम देखते हैं गटर क्रचेस क्या है। गटर क्रचेस ये हमारे पास क्या चीज है कि एल्यूमिनियम एलॉय ट्यूब है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट हॉरिजॉन्टल मेटल गटर एट द अपर एंड होता है इसपे। उसके अलावा वर्टिकल हैंड ग्रिप भी होती है। उसके अलावा ऐसी बात है जैसे हमने एज यूजुअल पीछे बात की है कि टिप पे क्या होगा वो रबर हो, ठीक है। अब इसमें क्या चीज होती है, हमारे पास कुछ इंडिकेशंस आ जाती हैं कि फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के केस में यूज होता है, वीकनेस ऑफ मसल्स कंट्रोलिंग एल्बो ज्वाइंट और हैंड, डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड के केस में, पेन इन हैंड और रिस्ट, ठीक है। ये हम इनको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। एल्बो जो होती है वो 90 degree फ्लेक्शन में है, यहाँ पे पाम जो है वो हमारे हैंड ग्रिप के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह वही सेम बातें हैं हमारे पास, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं क्रच की टिप पे जो रबर वगैरह लगी हुई होती है तो डिफरेंट तरह की होती है, तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह की डिफरेंट जो टिप्स पे लगी होती है, ये हैंड ग्रिप है बेसिकली। अच्छा, अब स्कूटिंग बोर्ड आ गया। स्कूटिंग बोर्ड में हमारे पास क्या चीज होती है कि एक वुडन सा बोर्ड होता है जिसके जैसी बात है व्हील्स वगैरह लगे होते हैं। इसमें क्या चीज होती है कि पेशेंट जो होता है वो सिटिंग इसके ऊपर, जैसे हम लोग जाते हैं ना बाजार वगैरह, तो जो बैगर्स होते हैं वो क्या है कि स्कूटिंग बोर्ड के ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो जो चल नहीं सकते, जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा है, आई डोंट थिंक सो कि बैगर्स जो होते हैं वो मोस्टली जो जैसे वो शो कर रहे होते हैं वैसे वो होते हैं, लेकिन अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बैगर जो होते हैं वो उसके ऊपर बैठे होते हैं, तो बेसिकली ये वो है स्कूटिंग बोर्ड, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास और इंशाल्लाह मुझे होप
है यही कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आए वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और उसके अलावा ये है कि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग किस टॉपिक पे सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो डेफिनेटली आप लोगों के जो है मेरे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है? और ये है कि आप लोग जो है ना मतलब आप लोग मुझे एटलीस्ट बताएं कि आप लोग क्या चाहते हो, या आप लोगों को सही समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं भी पता नहीं क्या बोमिया मारती रहती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब